हिमालय पर्वतमाला में स्थित माउंट एवरेस्ट पर्वत आज भी दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, और जिस तरह से इस पर्वत की ऊंचाई लगातार बढ़ रही है उससे साफ लग रहा है कि यह रिकॉर्ड कभी टूटने वाला नहीं है। क्योंकि 8 दिसंबर 2020 के दिन नेपाल और चीन ने मिलकर यह घोषणा की कि माउंट एवरेस्ट की आधिकारिक ऊंचाई 8,848.86 मीटर है, और यह अपने पिछले रिकॉर्ड हाइट से करीब 3 फुट बढ़ चुका है। अब एक तरफ हम दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग की बातें करते हैं कि समुद्र का स्तर लगातार इसलिए बढ़ा है क्योंकि और ध्रुवों पर जमी बर्फ लगातार पिघल रही है, वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बर्फ से बना यह पर्वत हिमालय लगातार बढ़ता जा रहा है, उसकी ऊंचाई लगातार बढ़ रही है। ऐसे में हमारे दिमाग में एक सवाल जरूर उठता है कि आखिर इसके पीछे का कारण क्या है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे कि हिमालय की ऊंचाई लगातार क्यों बढ़ रही है, क्या माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बढ़ने के पीछे का कारण कोई प्राकृतिक है, या मानवीय त्रुटि के कारण हम माउंट एवरेस्ट की वास्तविक ऊंचाई को कभी नाप ही नहीं पाए हैं, और क्या अलग अलग मापन पद्धति के कारण माउंट एवरेस्ट की अलग अलग ऊंचाइयां मिलती है। ये सब और इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बढ़ने के पीछे मुख्य रूप से 2 वजह अभी तक सामने आई है, जिसमें से पहली प्राकृतिक वजह है और दूसरी माउंट एवरेस्ट के मापन करने की तकनीक। तो हम दोनों विषय पर बारी बारी से बात करेंगे। तो पहले है प्राकृतिक वजह। आज हमारी धरती पर मुख्य रूप से 7 महाद्वीप दिखाई देते हैं, लेकिन आज से करोड़ों साल पहले सभी महाद्वीपीय भूखंड आपस में जुड़े हुए थे। इस मैप में आप देख सकते हैं, इस तरह से धरती पर मौजूद सभी जमीन आपस में जुड़ी हुई थी। आज के वैज्ञानिक ने इस महाद्वीप को पेंजिया का नाम दिया है। पेंजिया के इस विशाल भूखंड के नीचे कई टेक्टोनिक प्लेट्स थे जो लगातार एक जगह से दूसरी जगह तैर कर जा रही थी, और ये प्लेट्स करीब 16 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की रफ्तार से गतिशील थी, जिसके चलते पेंजिया महाद्वीप 2 भागों में टूट गया पहले, जिसका उत्तरी भाग लोरेशिया और दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड कहलाया। इसमें यह पेंजिया महाद्वीप है, जिसके बाद ये 2 भाग में टूट गया। इस दूसरे मैप में आप देख सकते हैं, ये वाला लोरेशिया है और ये वाला गोंडवाना लैंड है। तो लोरेशिया वाले भाग से ही आज का हमारा एशिया खंड जुड़ा हुआ था, जबकि हमारा भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करता था, और गोंडवाना लैंड में ही साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया जैसे भूखंड भी जुड़े हुए थे। उस वक्त भारत और ऑस्ट्रेलिया एक ही भूखंड था, लेकिन जैसे जैसे टेक्टोनिक प्लेट और आगे बढ़ती गई, भारत ऑस्ट्रेलिया वाले भाग से टूट गया और एशिया की तरफ बढ़ने लगा, और आज से करीब 5 करोड़ साल पहले यह भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा एशिया के उस हिस्से से जा टकराया जो वर्तमान लद्दाख का क्षेत्र है। तो भारतीय उपमहाद्वीप और एशियाई महाद्वीप के टेक्टोनिक प्लेट के बीच इस विशाल महाटक्कर से एक बहुत बड़ी भूमिगत हलचल पैदा हो गई, जिसके चलते कुछ भूभाग ऊपर की तरफ उठने लगा, और वही भूभाग आज हिमालय पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। 7,000 मीटर के आसपास और इससे ज्यादा ऊंचाई वाली जितने भी पर्वत श्रृंखलाएं पृथ्वी पर मौजूद है, उन सभी का निर्माण टेक्टोनिक प्लेट के टक्कर की वजह से ही हुआ है। अब इन दोनों टेक्टोनिक प्लेट में भारतीय उपमहाद्वीप की प्लेट ज्यादा भारी थी, ऐसे में जब दोनों टेक्टोनिक प्लेट की टक्कर हुई तो भारतीय उपमहाद्वीप की प्लेट नीचे की तरफ गई, और जो हल्की प्लेट यानी एशिया महाद्वीप की प्लेट वह इस भारतीय उपमहाद्वीप प्लेट के ऊपर आ गई। इस तरह से एशिया महाद्वीप के प्लेट वाले हिस्से से पर्वत का निर्माण हो गया। अब चूंकि कई वैज्ञानिकों का मत है कि आज भी भारतीय उपमहाद्वीप की प्लेट लगातार आगे की तरफ बढ़ रही है, जिससे एशियाई महाद्वीप की प्लेट भी लगातार ऊपर की तरफ उठती जा रही है, और यही वजह है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई साल दर साल बढ़ती जा रही है। पर कहीं एक्सपर्ट की माने तो माउंट एवरेस्ट की हाइट बढ़ने का सिर्फ एक ही कारण टेक्टोनिक प्लेट की गति ही नहीं है, बल्कि इसके अलावा कई तकनीकी समस्याएं भी है। तो अब बात करते हैं उन तकनीकी समस्याओं की। अब एवरेस्ट की ऊंचाई नापने के लिए वैसे तो आज कई सारे अच्छे उपकरण आ चुके हैं, लेकिन माउंट एवरेस्ट जैसे विशाल पर्वत की ऊंचाई नापने के लिए अभी भी मूल ज्यामिति का ही उपयोग किया जाता है। त्रिभुज का एक बहुत साधारण सा नियम होता है कि हर त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है और 3 कोण होते हैं। अब इन 6 में से यदि किसी 3 के बारे में हमें जानकारी है तो हम बाकी सभी इकाइयों को निकाल सकते हैं, क्योंकि समकोण त्रिभुज में
हमें एक कोण तो पहले से ही पता होता है जो 90 डिग्री का होता है। अब यदि हमें किसी भी तरीके से एक और कोण के साथ एक भुजा की लंबाई पता चल जाए तो हम बाकी सब गणना कर सकते हैं। तो ऐसे सभी स्थान जहाँ पर टेप के माध्यम से लंबाई नहीं नापी जा सकती, वहाँ पर यह फॉर्मूला उपयोग में लिया जाता है। अब मान लीजिए कि किसी टावर की लंबाई मापनी है हमें, तो हम टावर से कुछ दूरी पर एक जगह पर खड़े हो जाएंगे जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट कहलाएगा। उस ऑब्जर्वेशन पॉइंट से उस टावर के आधार की दूरी नाप लेंगे। अब हम पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से जब टावर के सबसे ऊपरी बिंदु को देखेंगे तो एक काल्पनिक रेखा बनेगी। उस काल्पनिक रेखा और आधार के बीच का जो कोण बनेगा वहाँ एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन कहा जाता है। तो इस तरह से हमें वहाँ भी पता चल जाएगा। अब अगर मान लें कि पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से टावर के आधार की दूरी E है और एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन D है, तो टावर की लंबाई इस फॉर्मूले से निकाली जा सकती है। लेंथ ऑफ टावर इज इक्वल टू E मल्टीप्लाई 10D। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि इस फॉर्मूले से आप किसी भी पहाड़, टावर इत्यादि की लंबाई बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन माउंट एवरेस्ट के केस में थोड़ी दिक्कत होती है। जैसे इस केस में आप पहाड़ की चोटी का पता तो आसानी से लगा सकते हैं, लेकिन आधार का पता नहीं चल पाता, क्योंकि यह पता करना मुश्किल है कि यह पर्वत भूमि से किस जगह मिलता है। इसलिए किसे आधार मानकर पर्वत की लंबाई मापी जाए। इसलिए किसी भी पर्वत की ऊंचाई मापने के लिए मेन सी लेवल का सहारा लेते हैं। मेन सी लेवल को ही आधार मानकर किसी पर्वत की ऊंचाई बताई जाती है। तो यदि इस वक्त माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848.86 मीटर है, तो यही कहेंगे कि माउंट एवरेस्ट मेन सी लेवल से इतना ऊंचा है। पर मेन सी लेवल कोई स्थिर आंकड़ा नहीं है। हाई टाइड, लो टाइड, मैग्नेटिज्म और कई विभिन्न कारणों की वजह से मेन सी लेवल में उतार चढ़ाव होता रहता है। ऐसे में मेन सी लेवल में बदलाव से एवरेस्ट की वास्तविक ऊंचाई में भी बदलाव देखने को मिल जाता है। इसके अलावा हमें माउंट एवरेस्ट से समुद्र के बेस की दूरी भी मापनी पड़ेगी। हालांकि आज GPS की मदद से यह आसानी से मापा जा सकता है, लेकिन 1950 में कोई GPS इत्यादि की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। और यदि एक्यूरेसी के साथ हम किसी जगह का मेन सी लेवल पता भी कर ले, तो यहाँ भी हर जगह एक जैसा नहीं होता, क्योंकि मेन सी लेवल पर गुरुत्वाकर्षण का असर पड़ता है और गुरुत्वाकर्षण मास यानी द्रव्यमान पर निर्भर करता है। अब जिस जगह हिमालय जैसी विशाल पर्वत श्रृंखलाएं होगी जिसका मास बहुत ज्यादा है, वहां पर गुरुत्वाकर्षण ज्यादा होगा और ज्यादा गुरुत्वाकर्षण के कारण समुद्र का स्तर भी थोड़ा उठा हुआ रहेगा। ऐसे में मेन सी लेवल भी बाकी जगह की तुलना में ज्यादा ही आएगा। और ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ हवा का घनत्व कम हो जाता है। ऐसे में जब कोई प्रकाश की बीम ऑब्जर्वेशन पॉइंट से पहाड़ की चोटी की तरफ डाली जाती है तो उनमें रिफ्रेक्शन आ जाता है, जिससे वह अपने ही रास्ते भटक जाती है और हमें सही दूरी नहीं मिल पाती है। तो अब सवाल यह उठता है कि क्या आज हमारे पास ऐसी कोई तकनीक है जिससे पहाड़ को मापने का काम आसान हो जाए। तो असल में तकनीक तो है, लेकिन वो भी एक्यूरेट नहीं है। पहली तकनीक है GPS, जो एवरेस्ट के सबसे ऊंचे बिंदु को कोऑर्डिनेट दे सकती है। लेकिन GPS इलिपसाइड को आधार मानकर काम करती है और इलिपसाइड एक काल्पनिक आधार है और मेन सी लेवल और इसके बीच काफी अंतर भी है। दूसरी टेक्नोलॉजी है कि हम इस पर्वत के शिखर के ऊपर कोई प्लेन गुजारे जो कि लेजर बीम से इस पर्वत की लंबाई नाप ले। पर लेजर बीम तकनीक और GPS, इन दोनों की एक दिक्कत है कि ये ग्रेविटी को नजरअंदाज कर देती है। इसलिए इनसे जो लंबाई मिलेगी उसके बाद हमें गुरुत्वाकर्षण के असर को ध्यान में रखते हुए फिर से अलग से गणना करनी पड़ेगी, तब जाकर हमें एक दूसरी वैल्यू मिलेगी। तो फिलहाल हमारे पास ऐसी कोई पुख्ता तकनीक नहीं है जिसके सहारे हम यहाँ दावा कर सके कि इस तकनीक से हमने जो लंबाई नापी है वह पूरी तरह से सही है। हालांकि 2020 के पहले कई बार माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई नापने की कोशिश की गई, लेकिन 1954 में भारत के सर्वे ऑफ इंडिया ने जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बताई थी वह अभी तक मान्य थी। उस वक्त ना तो कोई GPS था और ना ही कोई आधुनिक तकनीक, सिर्फ मैथ के कुछ छोटे मोटे फॉर्मूला का उपयोग करके वह लंबाई निकाली गई थी। उसके बाद भी दुनिया के सभी देश एवं संस्थाएं इस आंकड़े को ही सही मानते थे। लेकिन अब चीन और नेपाल ने मिलकर जो नया डेटा जारी किया है उसके हिसाब से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 1955 के मुकाबले 86 सेंटीमीटर बढ़ी है। तो इससे फिलहाल यह कह पाना मुश्किल है कि यह मापने की बेहतर तकनीक का नतीजा है या टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट का। लेकिन ये सभी वैज्ञानिक कहते हैं कि टेक्टोनिक प्लेट्स अभी भी मूव कर रही है और उसी के चलते
हिमालय पर्वत श्रृंखला के आसपास ज्यादा भूकंप आते हैं। तो यहाँ सब कुछ था इस वीडियो में, उम्मीद है आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।